ये है वो ह्यूज पोटली जो नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट आउट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन ना बहुत एकदम रिलैक्सिंग होगा बिकॉज आज मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना है, बिकॉज कल सुबह जो बनाया था वो मैं हमेशा एक ही टाइम पे दो टाइम का खाना बना लेती हूँ, बट कल रात को भी हमको हाउस ऑफ बिरयानी से खाना आया जिसमें इतना सारा खाना आया था। मुझे लगा पहले कम पड़ेगा क्योंकि डैड आए थे, बट इतना सारा खाना आया कि उसमें से एक बिरयानी पूरा ही रह गया जो आज निमेश को हो जाएगा। एंड निमेश सेड कि आज कुछ भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, ही इज़ गोइंग टू ईट आउटसाइड, बिकॉज अब मैं कल का कोई भी खाना उसके टिफ़िन में तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती, तो ही इज़ गोइंग टू ईट आउटसाइड। और मेरे डैड भी लाए थे तो इतना सारा खाना लेके आते, मॉम के हाथ का बनाया हुआ। मॉम नहीं आई इस बार, सिर्फ डैडी आया है, तो माई लाइफ इज़ सॉर्टेड एंड रिलैक्स्ड आज के लिए। फिर देखते हैं बाकी। अभी तो मैं मेरा ABC जूस लूंगी, जस्ट मेड चाय एंड आई एम गोइंग टू गिव रोटी, दैट्स इट। व्हाट आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट? ईट योर फूड फास्ट। सुबह का 8:30 बज रहा है आज, वीर वापस रेडी हो गया, जल्दी उठ गया था करके, तो इसके लिए मैंने उसको प्रॉपर एकदम ब्रेकफास्ट दिया बिकॉज अभी लंच को टाइम है। यूजुअली उसको ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं होता बिकॉज वो उठता ही लेट है एंड देन स्कूल का टाइम हो जाता है। एंड टुडे इज सैटरडे, सो यस नो यू लाइक नो द चीज़ ब्रेड, बट यू हैव टू ईट इट। ओके, ये हमारा स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, एवरीथिंग नो वीरू। आज वीर के साथ करने वाले हैं मनी का स्टडी बिकॉज मैथ्स में अभी उनको मनी चालू हो गया है, तो आई थॉट दिस नोट्स वुड बी एक्चुअली हेल्पफुल उसको समझाने के लिए। और भी थोड़े आई नो और भी थोड़े कॉइन्स ऐड करके आई स्टार्ट यू नो मेकिंग हिम अंडरस्टैंड मनी इन अ मोर बेटर वे। नो वी विल नीड मोर 2 rupees एंड 1 rupees कॉइन। एंड येस, आज हिंदी भी करना है वीर के साथ बिकॉज हिंदी इज़ रियली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। गॉड ब्लेस यू बेबी, बिकॉज काफ़ी बड़े वर्ड्स आ गए एंड ऑल दोज मात्रास एवरीथिंग हैज कम, सो यू नो दीज थिंग्स आर बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट, सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर बिकॉज फिर एग्जाम के पहले तो एकदम हालत हो जाता है। सो दैट इज़ देयर एंड देन ओलम्पियाड का एग्जाम इज़ देयर फ्रॉम 11th December, सो वी माई डू लिटिल प्रैक्टिस ऑफ ओलम्पियाड एग्जाम्स ऑल्सो टूडे, मतलब द मॉक टेस्ट वंस जो 30-35 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट वील डू दैट। सो दिस इज़ द मेन एम एंड मोटो टूडे बिकॉज आज किचन का बिल्कुल भी वर्क नहीं है। सो यही अभी एज ऑफ नाउ तो यही है, बट फर्स्ट आई विल गो एंड आई यू नो आई विल गेट फ्रेश बिकॉज माई हेयर हैज़ कम्प्लीटली यू नो स्पॉइल्ड येस्टरडे, तो एंड एनी विच वे सैटरडे तो आई मेक श्योर कि आई वॉश माई हेयर, तो पहले वो कर लूँगी एंड देन रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। लंच हो गया एंड आज मैंने इतना सारा सोच के रखा था कि वीर को पढ़ाऊँगी, बट वीर अपने नाना के साथ बाहर चला गया था फॉर सम वॉक एंड ऑल, और फिर 11:30 को आया तो वो तो नहीं हुआ। अभी दोपहर को मेरा प्लान है करने का, उसके पहले मुझे एक रील शूट करना है, मतलब बेसिकली एक शॉर्ट शूट करना है, तो देखते हैं वो एक बार हो जाए तो उसको प्लान है, अभी दोपहर को लेके बैठूंगी। लेट्स सी, ही इज़ इन द फुल प्ले मोड ऑन, चालू हो गया उसका, देखते हैं अब क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। बट मुझे उसको ओलम्पियाड का एग्ज़ाम तो दिलाना ही है बिकॉज वो जो लिंक होता है वो एक्टिव 5 बजे तक ही होता है, तो वो एक एग्ज़ाम तो उसको दिला ही दूंगी। उसके पहले देखिए एक छोटा सा शूट कर लूँ। वॉक इज़ समथिंग जो मैं डेफिनेटली कोई भी दिन मिस नहीं करूँगी अनटिल एंड अनलेस मुझे कहीं बाहर जाना होगा। आज सैटरडे है तो भी मैं वॉक के लिए उतरी तो हुई, बट सच्ची बोलूँ तो आज ना उतना नहीं हो रहा बिकॉज कल लेग डे में आज बहुत ही पैर में दर्द है, बोथ यू नो थाइज एंड हैमस्ट्रिंग सब बहुत दुख रहा है, बट कोई नहीं, समथिंग इज़ बेटर, एकदम रिस्क नहीं हुआ तो भी कुछ तो वॉक होगा। वीर भी मेरे साथ नीचे आया, आज साइकिल चला रहा है। अच्छा वीर, यू हैव टू गो टू योर फ्रेंड हाउस एंड कॉल, और मम्मा फोन स्विच ऑफ अच्छे, सो इफ यू वॉन्ट यू गो अप एंड कॉल हिम। बस और कुछ नहीं है, आज 1 घंटा वॉक करूँगी क्योंकि डैड भी घर पे है तो ज़्यादा टाइम मुझे नीचे नहीं रहना, एंड देन 6:30 को मैं ऊपर जाऊँगी। अभी आप लोग को वॉक करके बाद में मिलती हूँ।
आज मैं वॉक करके 45 मिनट्स में आ गई, ज़्यादा वॉक नहीं हुआ क्योंकि वीर भी मेरे साथ था, उसके फ्रेंड्स भी थे, तो यू नो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, बट स्टिल यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वॉक तो कर लिया बस, और कुछ ने भी ऊपर आ गई, एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव दैट फिज। आके थोड़ा मैं बैठी, उसके फ्रेंड्स आए थे, उनके साथ भी थोड़ा यू नो खेला, टाइम पास मस्ती किया मैंने। अब आई एम गोइंग टू हैव माय फिज क्योंकि वीर वापस गया है नीचे खेलने के लिए उसके फ्रेंड्स के साथ, तो बस अब आएगा शायद 8:30-9 बजे तक आएगा घर पे। हो आप लोग से फिर बाद में फिज विज पी के फिर बाद में आप लोग से। फाइनली रात के 11:30 बजे जैसे मुझे टाइम मिला और मैंने वीर का कबर्ड सॉर्ट आउट किया, एंड लुक इतना सारा भर के कपड़े निकले जो मुझे डोनेट करना है, तो अब मैं ये डोनेट कर दूँगी। अभी भी मतलब ऐसे था कि कितने सारे कपड़े रखूँ नहीं रखूँ, वीर के फेवरेट है बिकॉज और भी नए लॉट फर्स्ट क्राई का कोलैबोरेशन करने के वजह से और भी नए लॉट आ गए हैं, सो वी हैड टू डिस्कार्ड फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली वीर के कपड़े इतने वोन आउट कभी भी नहीं होते, दे आर ऑलमोस्ट ऑल न्यू। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप सोचोगे ओ माय गॉड दीज आर सो न्यू क्लोथ, बट ऑब्वियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैं कोई नीडी को इसमें हेल्प कर सकती हूँ, जिसको वोन आउट क्लोथ्स नहीं मिलेंगे, काफ़ी नए और अच्छे ही क्लोथ्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अ गुड डीड दैट वी कैन डू, यू नो अ स्मॉल गुड डीड, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, बट येस मैं निकाल देती हूँ, ज़्यादा वोन आउट होने के लिए रखती नहीं हूँ। दैट्स इट, अभी बस अभी वो सिनेमन वाटर पीऊँगी एंड वी विल गो ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। थोड़े बस कपड़े भी है वो भी बाहर से लेके आए फोल्डेड, नहीं तो रात भर में ना पूरा गीला हो जाता है। बस और कुछ नहीं, गुड नाइट गाइस, सी यू ऑल टुमारो। ये है वो ह्यूज पोटली जो नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट आउट।